आए तो बहुत सारे लोग, लेकिन निकल गए मतलब इसलिए निकल गए क्योंकि उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईपीएल का खेल। भाई साहब कुछ नहीं मिलने वाला है उस आईपीएल से, उस आईपीएल से सिर्फ आपको एक ही चीज मिल सकती है। क्या मिल सकती है? वो मिल सकती है निराशा, वो मिल सकती है आपको नुकसान, वो आपको मिल सकता है, वो आपको कर रहा है बर्बाद। ये तीन चीज आपके साथ हो रहा है इस आईपीएल से। और मेरे लाडलो आप लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हो, आखिर क्यों नहीं, आखिर क्यों नहीं आप इस बात को समझ रहे हैं कि आप निराश भी हो रहे हैं, आपका नुकसान भी हो रहा है और आप बर्बाद भी हो रहे हैं। निराश आपका हो क्या रहा है? तो निराश आपका हो रहा है मन। नुकसान आपका भाई साहब क्या हो रहा है? तो नुकसान आपका हो रहा है डाटा। और बर्बाद आपकी भाई साहब क्या हो रही है? तो बर्बाद आपकी हो रही है समय। ये तीन चीज जिसकी समझिए कि कोई कीमत नहीं है अगर इनका सदुपयोग हो तो, सही जगह लगाए जाए तो, इनका मतलब कोई इस धरती पे इनका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब अनमोल है। कोई वैल्यू नहीं होने का मतलब क्या है? अनमोल है। निराश हो जा रहे हो, निराश होने का रीजन क्या है? मान लेते हैं आप मानते हैं विराट कोहली को, ठीक है। विराट कोहली जिस दिन अच्छा खेल लिया उस दिन यू आर वेरी हैप्पी, वाह रात को नींद अच्छा से आएगी। लेकिन अगर विराट कोहली जीरो पे आउट हो गया तो उस दिन भाई आम खाना नहीं खाएंगे, काहे भाई मन नहीं खेल ठीक। तो नुकसान हुआ किसका? अपना नुकसान हुआ ना भाई। अब देखिए डाटा का नुकसान, देखिए अगर इस डाटा को अगर आप कुछ सीखने में लगाते हो, कुछ गेन करने में लगाते हो, तो उससे आपकी विकास होगी ना, आपकी भलाई होगी ना। आईपीएल से क्या होगा? खेलेगा वो, मारेगा वो, जीतेगा वो, पैसा वो बना रहा है और तुम भैया मूर्ख बने हुए हो झूठ मूठ का। हाँ अगर तुम रोजगार में हो, अगर कुछ ढंग का कुछ हो तो ठीक है भैया, देखो क्योंकि वो एक टाइम पास है, गेम है और आनंद मतलब कि इंटरेस्ट के लिए जरूरी भी है, थोड़ा सा आदमी खुश रहता है ना। लेकिन अगर आपको खुद अभी समय की जरूरत है और उसके बावजूद भी आप 7 से 10 11 उसमें एकदम से समझिए कि आप हिल नहीं सकते हैं वहां से, जब आईपीएल शुरू हो जाएगी तो आप वहां से हिल नहीं सकते हैं, ये तो गलत बात है यार, छोड़ो उसे, अपने बारे में सोचो, अपने कैरियर के बारे में सोचो। विराट कोहली क्या क्या सु लौका था, अपना माई क्या क्या सु नहीं खा लौका क्यों लोग रोज रोता काहे खातिर कि बबू अमर सेटल हो जा कुछ अच्छा कह देस। अब विराट कोहली एक दिन रो देता है तो बस वाह हम उसके फैन है, वो बेचारा रो रहा था, स्टेटस लगा देते हैं इंस्टा पर, उसको शेयर करते हैं, हर जगह शेयर करते हैं। लेकिन माँ बाप तो रोज रो रहे हैं ना आपके, उनके बारे में रत्ती भर भी नहीं सोचते हैं आप लोग, रत्ती भर भी इतना सा भी नहीं सोचते हैं उस माँ बाप के बारे में। अरे सोचो यार उनके बारे में, वो जीता जागता भगवान है आपके, विराट कोहली से बड़ा है वो, आपको तो उनका सबसे बड़ा होना चाहिए था ना फैन, लेकिन उनसे ऊपर भी आपने इसी और को बना दिया। ऐसा नहीं है कि मुझे विराट कोहली से दिक्कत है, नहीं वो अच्छा है क्योंकि वो अच्छा खेल रहा है भाई साहब। आप भी कुछ ऐसा करो ना कि आपके भी लोग दीवाने हो, तो नहीं ऐसा नहीं करेंगे तो हो को बर्बाद, हो जाओ बर्बाद, क्या कहें अब हम भाई। अरे यार माँ रोज रो रही है, वो बाप रोज रो रहा है यार। जब आप घर से बैग लेके निकलते हो ना तो बाप को लगता है कि आज नहीं तो कल मेरा जो लड़का है या लड़की है वो अधिकारी बनेगा, कुछ बनेगा ताकि हम आराम से रह सकेंगे। लेकिन उनको तो कुछ पता ही नहीं है हकीकत कि उनके लड़का लड़की करते क्या है, कर क्या रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे डिजिटल जमाने वाले तो है नहीं कि उनको ज्यादा डिजिटल के बारे में वो जानकारी है। वो तो ससुराल रील बना रहा है, वीडियो देख रहा है झूठ मूठ का, जिससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। क्या लाभ है भाई? पहले खुद को समय दो, और जब बचे तो आईपीएल पे दो, और नहीं बचे तो मत दो ना भाई। ये नहीं सोच रहे हो माँ बाप के बारे, अभी तक रेंट पे रह रहे हो ना, माँ के घर में रह रहे हो, बाप के घर में रह रहे, कुछ ऐसा करो ना कि तुम्हारा घर हो और उसमें तुम्हारे माँ बाप रहे, तुम खुद के बदलो तो घर बनाओ और उस घर में अपने माँ बाप को रखो। अभी तो उनके ऊपर उनके साथ रह रहे हो ना भाई, रेंट पे रह रहे हो, क्या औकात है तुम्हारी, तुम्हारी क्या औकात है? एक गंजी लेने की औकात नहीं है, स्कॉर्पियो भाव बाप के हो, हतार ले ले बारो अपना
दाम पर अपना दम पर ना बाबू ले ले बारे कैसे कि वो लाइक मेहनत करके बनल बारे डॉक्टर मास्टर इंजीनियर आईएएस ऑफिसर कुछ भी बारे तो वो अपना दम पर बनल बार ता जे स्कॉर्पियो पर फॉर्च्यूनर पर घूमता रहे तहार औकात का बा तहार औकात एगो गंजी लेवे के नहीं खे दादा हाथी रख ले रास्ता में सिकर लेके घूमे। अरे तू कुछ ऐसा कर कि ना हाथी रहो तो कम से कम गधो रहो द्वार पर। चलिए नहीं सर चैटिंग चल रहा है। अरे भैया सुनो आजकल के नौजवान सुनो प्यार मोहब्बत सब धोखा है पढ़ाई कर लो अभी ये मौका है यो बात।